हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहला मुझे आपको एक बात बताना है, ये फर्स्ट जो एप्लीकेशन के बारे में ही है। तो अगर आप यूट्यूब में देखते हैं कि बहुत सारा यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, और या आपका एपीएन सेटिंग्स बदलिए तो आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, वो कीजिए ये कीजिए आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, ये जो जो ट्रिक्स बता रहे हैं वो कुछ काम आने वाला नहीं है। ये वीडियोस वो बना रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा व्यूज़ चाहिए, तो आपको बुद्धू बना के आपसे व्यूज़ पाने के लिए आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ाइए, वो बढ़ाइए बढ़ाइए कहते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये विजेट है वो एप्लीकेशन का। तो वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर नेटवर्क सिग्नल इन्फो, तो अगर आपको इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है तो ये एप्लीकेशन आपका मदद नहीं करेगा, वो पहले ही मैं बता देता हूँ। तो ये आपको क्या बताएगा कि आपको कौन सा, आपके घर का कौन सा एरिया में आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा, वो ये एप्लीकेशन बताएगा। तो यहाँ पर आप DBM जो दिख रहा है वो जितना कम होगा, यहाँ पर 108 दिख रहा है यहाँ पर मुझे, तो जितना कम होगा यहाँ पर देख सकते हैं 70 कुछ हो मिलेगा तो मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 106 दिख रहा है, तो मीडियम में जा रहा है मेरा इंटरनेट स्पीड, और जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना आपका इंटरनेट स्पीड कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 104 दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 1 MBPS का स्पीड मिल जाता है, तो यहाँ पर 104 DBM में। तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा बढ़ते रहेगा उतना ज़्यादा आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरनेट स्पीड कम होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके घर के कौन से एरिया में आपका इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलता है। अब जो दूसरा जो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है पिक्सल लुक। तो ये पिक्सल लुक क्या करता है, आपके पिक्चर्स को एनिमेट करता है, और वो फ़ोटोज़ आप आपके इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में भी अपलोड कर सकते हैं या फेसबुक में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर सिंपली एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ ये ऐप के बारे में। तो यहाँ पर डेमो प्रोजेक्ट दिख रहा है, वहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है, यहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा है, यहाँ पर स्काई दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये जो स्टिल पिक्चर में मुझे ये वाटरफॉल को एनिमेट करना है और ये स्काई को एनिमेट करना है। तो मुझे क्या सिंपली करना होगा, यहाँ पर एनिमेट में जाने के बाद, यहाँ पर पाथ में क्लिक करने के बाद, यहाँ पर इस तरह मुझे करना है, और स्काई को भी इस तरह करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, यहाँ पर देख सकते हैं वाटरफॉल गिर रहा है और यहाँ पर स्काई भी धीरे धीरे मूव हो रहा है। तो आप इस तरह आपके स्टिल फ़ोटोज़ को एनिमेट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप में। वहीं पर अगर आप कोई भी एक नया फ़ोटो लेके, मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, तो ये वाला फ़ोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आसमान देख सकते हैं, बारिश का मौसम है तो इससे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स का थोड़ा इंटरफेस बदलने के लिए मुझे यहाँ पर स्काई का ऑप्शन में जाना होगा। स्काई का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पूरा क्लाउडी है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्काई का पूरा कलर ही चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह आप आपके फ़ोटोज़ में भी आपके क्लाउड्स का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल ऐप है, आप ज़रूर ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा ऐप है। अब जो तीसरा जो ऐप मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है गैलरी गो। तो ये जो गैलरी गो एप्लीकेशन है ये एक गैलरी ऐप है। तो ये गैलरी ऐप गूगल का खुद का गैलरी ऐप है, तो ये आप जान सकते हैं एड फ्री होने वाला है और बहुत ही अच्छा गैलरी ऐप होने वाला है, क्योंकि गूगल के प्रोडक्ट्स से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गैलरी गो वाला एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर वीडियोज़ का अलग सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर वीडियोज़ आपको देखना है तो यहाँ पर वीडियोज़ में क्लिक कर सकते हैं, और मूवीज़ अगर देखना चाहते हैं तो मूवीज़ का जो फोल्डर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो जो मूवीज़ मैंने डाउनलोड किया है सब यहाँ पर गया है, और जो जो वीडियोज़ मैंने डाउनलोड किया है सब यहाँ पर गया है, और जो जो फ़ोटोज़ है यहाँ पर आपको दिख रहा है। वहीं पर आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, फोल्डर का ऑप्शन में भी आपको कैमरा अगर ओपन करते हैं तो कैमरा में जाके आपको कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पर
डाउनलोड के ऑप्शन में, और यहाँ वीवो वीडियो में जो जो मैंने क्रिएट किया था वो सब यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरह आप आपके फोल्डर्स फाइल मैनेजर और की भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ का, और यहाँ पर फ़ोटोज़ में भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐड फ्री एक गैलरी ऐप है, आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करके देखो, आपको पसंद आएगा। अब जो फोर्थ ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, ये एक वॉलपेपर ऐप है। तो ये वॉलपेपर ऐप आपको 4K रेजोल्यूशन वाला पिक्चर्स देगा, और इसके जो जो वॉलपेपर्स हैं वो बहुत ही अच्छे वॉलपेपर्स हैं। तो ये वॉलपेपर एप्लीकेशन का नाम है टॉप वॉलपेपर्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैक में जाता हूँ तो यहाँ पर होम में आने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरीज मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट, एस्थेटिक, एमोल्ड, एनिमल्स, एनिमे, आर्किटेक्चर। तो इस तरह आपको बहुत सारा कैटेगरीज में आपको मिलेगा, और यहाँ पर लेटेस्ट वॉलपेपर्स मिलेगा, रैंडम वॉलपेपर्स मिलेगा, और ट्रेंडिंग वॉलपेपर्स भी मिलेगा। ट्रेंडिंग मतलब कि बहुत सारा जो डाउनलोड किया जाता है वॉलपेपर वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वॉलपेपर्स है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमल में क्लिक करता हूँ। मिनिमल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर है इसे मुझे सेट करना है मेरे वॉलपेपर, और वॉलपेपर ओके। तो यहाँ पर मैं सेट एज में जाता हूँ। सेट एज में क्लिक करते वक्त यहाँ पर एड्स थोड़ा ज़्यादा आता है, तो देख सकते हैं ऐड का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। तो प्लीज़ वेट डाउनलोडिंग, तो ये जो वॉलपेपर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो वॉलपेपर है डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप जितना क्रॉप करना चाहते हो उतना क्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो ग्रीन जो यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हो गया वॉलपेपर सेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर सेट हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह। तो ये बहुत ही एक अच्छा वॉलपेपर है, और वॉलपेपर का क्वालिटी भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा क्वालिटी है। 4K रेजोल्यूशन का वॉलपेपर्स आपको इस वॉलपेपर एप्लीकेशन में मिलता है, ये ज़रूर ट्राई करके देखो आप। जो फाइनल जो ऐप मैं बताने वाला हूँ, ये एक जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो वो जो पोस्ट को रीच मिलना है और लाइक्स मिलना है तो क्या ज़रूरत है, टैग्स का ज़रूरत है। तो टैग्स को आपको उधर इधर कोई खोजने का ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन के हेल्प से आप टैग्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हैशटो, ये एप्लीकेशन का नाम है हैशटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरीज है। तो यहाँ पर मैं फूड सेलेक्ट करता हूँ, फूड सेलेक्ट करने के बाद मुझे मैं एक चॉकलेट का फ़ोटो मैंने लिया हुआ है। तो चॉकलेट का फ़ोटो लेने के बाद वो अपलोड करने के बाद यहाँ पर मुझे कॉपी, ये जो चॉकलेट का बहुत सारा हैशटैग मिल रहा है, तो ये जो हैशटैग में मुझे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर कॉपी हैशटैग्स कॉपी हो चुका है। तो अपलोड करने के बाद ये सिंपली जाके आपके इंस्टाग्राम में पेस्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है, आपको उधर इधर जाके ढूंढने का ज़रूरत नहीं है हैशटैग्स। तो ये था 5 ऐप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।